आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार भले ही कुछ भी दावे करती रहे, पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार निचले स्तर पर भी रुकता नहीं दिख रहा है। 8,000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। लोकायुक्त के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सिवनी में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय के एक पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दो भाइयों की जमीन बंटवारे के नाम पर पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगी गई थी, जिसके शिकायत प्रार्थी ने लोकायुक्त की से की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगी गई वो जिले के डोकर रांझी में क्षेत्र में पदस्थ है। दो भाइयों के बंटवारे को लेकर प्रार्थी कृष्ण कुमार डहरिया के साथ 8,000 रुपए में सौदा तय हुआ, इसकी शिकायत उसने लोकायुक्त से की थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। लोकायुक्त के द्वारा शिकायत का परीक्षण करने के उपरांत 10 जनवरी को लोकायुक्त दल ने आरोपी पटवारी शुभम राय को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तहसील कार्यालय में ही लोकायुक्त दल ने दस्तावेजी कार्रवाई पूरी की। पटवारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर पटवारी अगर रिश्वत ले तो एक हेल्पलाइन नंबर और एक मोबाइल नंबर भी लोगों के द्वारा डाला जा रहा है, जो काफी वायरल हो रहा है। सबके बाद भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से रिश्वत मांगी जा रही है वो वास्तव में कहीं ना कहीं इस बात का घोतक है कि उच्चाधिकारियों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के निर्देश हवा में उड़ाते दिख रहे हैं मैदानी अफसर। चूंकि ये इस तरीके के मामले लगातार आ रहे हैं, इसलिए ये कहना बड़ा लाजमी है कि इस सब पर रोकने के लिए कड़ाई से इस पूरे मामले को देखना होगा। आइए हम सुनाते हैं क्या कहना है लोकायुक्त की निरीक्षक का। मैडम, क्या शिकायत है और क्या कार्रवाई? दिनांक 9/1/2024 कृष्ण कुमार डहरिया निवासी ग्राम समनापुर जिला श्रेणी का आवेदन हमारे पास उपस्थित हुआ शिकायत लेकर, और उसके शिकायत की सत्यापन हेतु कल दिनांक को ही उनको उनके कार्यालय में जहाँ आरोपी ने बुलाया था वहाँ हम भेजे थे, और उसके रिकॉर्डिंग कराने के बाद आज दिनांक को फिर आरोपी को बुलाया था तहसील कार्यालय चुनी में 8,000 रुपये लेकर। तो उसको तहसील कार्यालय के पास ही कलेक्ट्रेट बंगले के बाजू में रिश्वत देते हुए उनकी प्राइवेट व्यक्ति जो उनके परिचित गांव के उनके उनको देने के लिए कहा गया था, और उनकी कहने के आधार पर प्राइवेट व्यक्ति और पटवारी शुभम राय को हम अरेस्ट कर लिए, मतलब बरामद कर लिए हैं रिश्वत राशि की पोजीशन से। क्या क्या मामला दर्ज है? ये पटवारी जो है हल्का पटवारी उनके अंडर में है, शुभम राय हल्का पटवारी 39/48 है, और ये प्राइवेट बंदा है महेश कुमार राय, इन दोनों को हमारे अपने अंडर में। पूरा नाम आपको, पूरा पद? लोकायुक्त की निरीक्षक के द्वारा बताया गया किस तरह से उन्हें शिकायत मिली थी और किस तरह से उनके द्वारा जाल बिछाया गया, जाल में पटवारी किस तरह से फंसे 8,000 रुपए की रिश्वत के मामले में। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि रिश्वत को अगर रोकना है तो ऊपर से ही, जैसा कहा जाता है कि ऊपर से ही अगर इस पर रोकथाम की जाएगी तो नीचे आकर इस पर रोकथाम या लगाम लगना संभव है। आइए हम आपको सुनाते हैं पीड़ित का क्या कहना है। मेरा नाम कृष्ण कुमार डहरिया है, ग्राम समनापुर का निवासी हूँ। और मेरे और मेरे भाई के नाम पे जो जमीन है उसके बंटवारा के लिए हमने आवेदन लगाए थे, तो 6 महीने से वो पेंडिंग था, केस कर नहीं रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे, आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, ये करो वो करो, हम लोग लगातार परेशान थे। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, 1.5 महीने से शिकायत में भी कुछ नहीं हुआ। जिस दिन शिवम राय जी का फोन आया, बोले अगर आपको काम करवाना है बोले तो हो जाएगा लेकिन मिलना पड़ेगा। फिर मेरे घर पे आए, घर पे आने के बाद मेरे घर पे बैठ के इनसे रिश्वत, इनने 10,000 मांगे थे, 10,000 के बाद फिर जो फैसला हुआ 8,000 रुपये में फैसला हुआ, बोले 8,000 दे दोगे तो मैं कल के कल तुम्हारा काम कर दूंगा, नहीं साल भर भुगतते रहोगे। फिर मैंने इनको 8,000 देने के लिए आज की डेट तय किया था, और आज यहाँ पर आज की उनको 8,000 रुपया दिया हूँ।
छानबीन। तो इसकी शिकायत आपने कोर्ट में किससे करी? कोर्ट में तहसील कार्यालय में किया था मैंने, एक जून 2023 से शिकायत मतलब वहाँ गली हुई है, मतलब मेरा आवेदन बंटवारा का। तो अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं, बस आओ जाओ खड़े रहो। पैसे किसके हाथों आपने पकड़वाया जी? पटवारी किसके हाथ में पकड़ा है? लोकायुक्त की टीम से मैंने संपर्क किया जबलपुर की, कभी कल 9 तारीख को मैं संपर्क किया उनसे और कुछ कार्रवाई कभी हुई और बाकी की जो कार्रवाई थी आज। ठीक, कहाँ पड़ता है डॉक्टर? सुखनापुर किलारी में आता है? क्यों नहीं, यहाँ से पटवारी के पास है, पास आना काले वाला। तो आपने सुना क्या कहना था पीड़ित का और किस तरह से यहाँ पर रिश्वत का मामला आया है सामने, लोकायुक्त पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और लगातार ही सिवनी जिले में रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के द्वारा पकड़े जाने के प्रकरणों में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ। इस सबके बाद भी सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई, विधायक, सांसद, विपक्ष में बैठी कांग्रेस, कांग्रेस की जिला इकाई, नगर इकाई और अन्य इकाइयां इस पूरे मामले में, रिश्वत के मामले में पूरी तरह मौन साधे ही दिखती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही है तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।